सच्चे दरबार वाली माता का प्रताप बड़े से बड़े नास्तिकों को भी अपने सामने सिर झुकाने को विवश कर सकता है। इस बात की सत्यता हमें ध्यानु भगत और अकबर की कथा पढ़ने से प्राप्त होती है। माता अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकती और भक्तों की लाज रखने के लिए असंभव कार्य को भी संभव कर सकती है। भगवती माँ किस तरह अपने भक्तों की इज्जत को बचाने के लिए असंभव कार्यों को संभव बना देती है, इसके लिए हमें सुनना होगा ध्यानु भगत की कहानी। जिन दिनों हिंदुस्तान पर मुगल सम्राट अकबर का साम्राज्य स्थापित था, उन्हीं दिनों नादौन ग्राम के ध्यानु भगत नाम का भगवती माँ का परम सेवक रहता था। वह देवी का प्रसिद्ध सेवक था और लोगों को देवी माँ के दर्शनों के लिए अपने साथ ले जाकर पुण्य लाभ अर्जित किया करता था। एक बार वह 1000 भक्तों को साथ लिए भगवती माँ के दर्शन को जा रहा था तो दिल्ली से गुजरते हुए उसे बादशाह के सिपाहियों ने रोक लिया और पूछा, वह इतनी बड़ी फौज लेकर कहाँ जा रहा है? ध्यानु भगत ने कहा, मैं भक्तों को साथ लेकर भगवती माँ के दर्शनों को जा रहा हूँ। परंतु बादशाह के सिपाहियों को इस बात का विश्वास न हुआ और यह समझकर कि वह व्यक्ति अवश्य ही कहीं लूट मार के उद्देश्य से जा रहा है, ध्यानु भगत को पकड़कर बादशाह के सम्मुख प्रस्तुत किया। बादशाह ने ध्यानु भगत से पूछा, तुम इतने व्यक्तियों को साथ लेकर किस इरादे से जा रहे हो? जहाँ पना, मैं ज्वालामाई के दर्शनों को जा रहा हूँ और यह लोग भी देवी के भक्त हैं और देवी के दर्शनों को जा रहे हैं, ध्यानु भक्त ने हाथ जोड़कर कहा। यह ज्वालामाई कौन है और इनके दर्शनों से क्या लाभ होता है? अकबर ने फिर पूछा। ध्यानु भगत इसके उत्तर में बोला, बादशाह सलामत, माँ भगवती ज्वालामाई संसार की माता है। उनका प्रताप ऐसा है कि बिना तेल बाती के ज्योति जलती रहती है। ज्वालामाई अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली हैं। मैं हर साल उनके दर्शन को जाता हूँ, इस वर्ष भी उनकी सेवा में उपस्थित होने जा रहा हूँ। अकबर को ज्वालामाई की शक्तियों पर विश्वास न हो सका और वह ध्यानु भगत को संबोधित करते हुए बोला, तुम्हारी माँ ज्वाला मैया इतनी शक्तिशाली और प्रतापी वाली है, हम इसका विश्वास कैसे करें? बिना तेल के चिराग जलने वाली बात हमारी समझ में नहीं आई। तुम माता के सच्चे भक्त हो तो हमें अपना कोई चमत्कार दिखाओ। अगर सचमुच तुम्हारा चमत्कार सच्चा हुआ तो हम मान जाएंगे। इस पर ध्यानु भगत हाथ जोड़कर बोला, जहाँ पना, मैं तो माता का तुच्छ सेवक हूँ, मैं भला कौन सा चमत्कार दिखा सकता हूँ। इस पर अकबर बोला, अगर तुम्हारी देवी इतनी सच्ची है तो वह अपने भक्त की लाज अवश्य रखेगी। जो देवी अपने भक्तों की इज्जत नहीं बचा सकती वह सच्ची देवी नहीं हो सकती। मैं तुम्हारे घोड़े की गर्दन काट देता हूँ, तुम अपनी देवी से कहकर उसे दोबारा जिंदा करवाओ। अकबर के हुक्म के अनुसार सिपाहियों ने घोड़े की गर्दन को तलवार से काट दिया। ध्यानु भगत ने जब यह देखा कि मुगल सम्राट चमत्कार देखे बिना नहीं मानेंगे तो उसने अकबर से कहा, जहाँ पना, आप मुझे 1 महीने का समय दीजिए। मैं माता के दरबार में जाकर माँ से प्रार्थना करूँगा कि वह इस घोड़े को दोबारा जिंदा कर दे। इसका सिर और धड़ आप अपने पास रखिए, आपको सबूत मिल जाएगा और अगर मैं ऐसा ना कर सका तो कभी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। अकबर ने ध्यानु भगत की यह बात मान ली। घोड़े के धड़ और सिर को सुरक्षित रखने के लिए कहकर उसने ध्यानु भगत को यात्रा करने की आज्ञा प्रदान कर दी। बादशाह से विदा होकर ध्यानु भगत अपने साथियों के साथ माता के दरबार में जा पहुंचा। स्नान आदि से शुद्ध हो उसने रात भर जागरण किया और प्रातःकाल आरती के समय देवी के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और देवी से प्रार्थना करते हुए बोला, हे माँ, अकबर ने मेरे घोड़े का सिर कटवा दिया है और मैं उससे ये वादा कराया हूँ कि 1 माह के भीतर वह घोड़ा आपकी शक्ति से दोबारा जीवित हो उठेगा। सो अब आप अपने सेवक की लाज रखने के लिए कोई चमत्कार दिखाकर मरे हुए घोड़ों को जीवित करें। यदि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं करेंगी तो मैं भी अपना सर काटकर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा, क्योंकि आपके सेवक आपका कोई अनादर सहन नहीं कर सकते। यह कहकर ध्यानु भगत मौन खड़ा हो गया। कुछ देर तक वह वैसे ही खड़े रहे और जब कोई उत्तर ना आया तो उन्होंने अपनी तलवार निकालकर एक ही वार में अपना सिर गर्दन से अलग कर दिया और अपने हाथों से उठाकर देवी के चरणों में रखने के लिए ज्यों ही बढ़ाया वैसे ही संसार की माता भगवती ज्वालामाई साक्षात प्रकट हो गई और ध्यानु भगत से बोली, हे पुत्र, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और सर्वप्रथम तुझे जीवन दान देती हूँ। यह कहकर माता ने ध्यानु भगत का सिर उसके धड़ पर रख दिया और ध्यानु भगत जीवित हो उठा। माँ को अपने सामने प्रत्यक्ष देखकर
वह उनके चरणों में गिर पड़ा। तब माँ ने ध्यानु भगत से कहा, तुझे शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, तू तो यहाँ बैठा है और तेरा घोड़ा दिल्ली में जीवित हो चुका है। दिल्ली की सारी जनता आश्चर्य मना रही है और तुम्हारी प्रतीक्षा हो रही है, तू किसी भी तरह की चिंता मत कर। यह कहकर माता जी अंतर ध्यान हो गई। जिस समय माँ भगवती ने ध्यानु भगत को दर्शन दिए, ठीक उसी समय अकबर सम्राट के यहाँ पर पड़ा हुआ मृत घोड़ा जीवित हो उठा। यह देखकर बादशाह व दरबारी बड़े अचंभे में आ गए। बादशाह ने तुरंत अपने सैनिकों को ज्वालामाई पहुँचने को कहा। अकबर के सैनिक लौटकर ज्वालामाई के मंदिर पहुँचे और वहाँ का दृश्य देखा और फिर सारा विवरण अकबर बादशाह को कह सुनाया। अपने सैनिकों के मुख से यह खबर सुनकर कि वहाँ के पहाड़ों से अपने आप रोशनी की लपटें निकल रही है, तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। परंतु फिर भी उसने माँ भगवती की परीक्षा लेने के विचार से अपने सैनिकों को वह ज्योति बंद करवा देने का हुक्म दिया। सैनिकों ने ज्योति के ऊपर पहले तो लोहे के बड़े बड़े तवे रख दिए, परंतु ज्योति की लपटों ने कुछ ही देर में लोहे के उन भारी तवों को गला दिया और ज्योतें पुनर्वत जलने लगी। यह देखकर अकबर के सैनिकों ने पहाड़ी खोदकर एक नहर निकाली और उसकी जलधारा ज्योतों पर डालनी शुरू कर दी, परंतु इससे भी ज्योतों का जलना बंद ना हुआ तो उनके मन में माँ भगवती के प्रति श्रद्धा व भय की भावना स्थापित हो गई। वह सभी वापस अकबर के दरबार में पहुँचे और माँ भगवती के चमत्कार के बारे में सब विस्तार से बता दिया। यह सुनकर अकबर ने अपने विद्वान ब्राह्मणों से इस बारे में विचार विमर्श किया तो विद्वान ब्राह्मणों ने अकबर को समझाया, माँ भगवती तो जगत जननी है, उन पर आपने संदेह किया सो आप माँ भगवती से इसकी क्षमा मांगें और उनके स्वयं दर्शन करें। वहाँ जाने का क्या ढंग है उसके बारे में आप लोग मुझे बताइए, अकबर ने ब्राह्मणों से पूछा। ब्राह्मणों ने कहा, आप सवा मन सोने का छत्र बनाकर उसे अपने कंधे पर रखकर नंगे पांव पैदल ही माता के दरबार में जाएं। राजा महाराजाओं और बादशाहों के लिए माता का यही नियम है। ऐसा सुनकर अकबर सवा मन सोने का छत्र बनाकर उसे अपने कंधे पर लादकर नंगे पांव माता के दरबार में पहुंचा। वहां पर जलती हुई ज्योतों को और हजारों भक्तों को देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने अपने हाथ जोड़कर देवी माँ से प्रार्थना की, हे माता, मैं आपके दरबार में हाजिर हूँ, आप मुझे दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए। उसी समय मंदिर से आवाज आई, अकबर तूने मेरे भक्ति की परीक्षा ली, मेरी शक्ति पर संदेह किया, तू पापी है, नराधम है, इसलिए तुझे मेरे दर्शन नहीं हो सकते। इस पर अकबर ने अपने कंधे से छत्र उतारते हुए कहा, माता, मैं आपके दरबार में छत्र लेकर हाजिर हुआ हूँ, आप मेरे अपराधों को क्षमा करें और मुझे दर्शन देकर कृतार्थ करें। अकबर ने जैसे ही छत्र उतार कर अपने हाथों में ले लिया, वैसे ही छत्र कई टुकड़ों में बटकर गिर पड़ा। उस सोने के छत्र को माँ ने अपनी शक्ति से जाने किस धातु में बदल दिया कि वह धातु आज तक नहीं जानी जा सकी। इस पर अकबर माता के दरबार में गिड़गिड़ाकर अपने अपराधों की क्षमा मांगने लगा और देवी माता से प्रार्थना की कि वह उसे दर्शन दे। अकबर की सात्विक भावना देखकर माता का हृदय प्रसीज गया और उन्होंने अकबर को दर्शन देकर कहा, इस बार तो तेरा अपराध क्षमा किया जाता है, परंतु आज के बाद तूने मेरे भक्त की किसी भी तरह से परीक्षा लेनी चाहिए, उस पर संदेह किया तो उसका परिणाम तुझे बहुत बुरा भोगना पड़ेगा। अकबर ने माँ की आज्ञा को सिर माथे रखा और माता की स्तुति कर दिल्ली वापस आने के बाद उसने ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज के बाद माता के भक्तों की पूरी पूरी इज्जत की जाएगी और उन पर किसी भी तरह का अत्याचार न किया जाए। इस पर माता के भक्त बहुत प्रसन्न हुए और माँ की जय जयकार करने लगे। इस तरह माँ ने अकबर को भी अपना भक्त बनाया। अकबर जो छत्र लेकर गया वह आज भी खंडित अवस्था में ज्वाला देवी के मंदिर में बाई ओर पड़ा है।